सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस, आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस इतने प्यारे कमेंट करने के लिए, मुझे अपना इतना प्यार सारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने, या ये कह दीजिए अपने फैन फिक्शन के फर्स्ट पार्ट में, हमने स्टोरी के बारे में समझा। हमें ये जाना कि विंग और वांग जी एक नई कंट्री में एक नई जगह रहते हैं, सबसे अलग हैं। चलिए आगे। विंग जिसके लिए ये कंट्री बिल्कुल नई है, यहाँ के लोग बिल्कुल नए हैं और लैंग्वेज भी अभी नहीं है। बेचारा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन अभी भी इंग्लिश सीख रहा है। आप लोगों में से अगर कोई फॉरेन में अगर ट्रेवल किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि एक आराम से इंडिया में बोलने वाली इंग्लिश और बाहर बोलने वाली इंग्लिश में भी बहुत डिफरेंस होता है। एक्सेंट का डिफरेंस होता है, स्पीड का डिफरेंस होता है। और विंग अभी वही चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, उसे इंग्लिश के वर्ड्स का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी और अपने एक्सेंट और अपने फ्लो में बोल रहे हैं कि कई बार विंग वो क्या बोल रहा है उसे समझने में प्रोसेस हो रहा है। बेचारे विंग को बहुत दिक्कत आती है। शुरुआत में ही उसको महसूस हो जाता है कि यहाँ पे उसे थोड़ा ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस लैंग्वेज बैरियर पे काम करना पड़ेगा, इसलिए वो जल्दी से अपने यहाँ के एचआर को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि वो यहाँ पे आ चुका है। वहीं एचआर भी विंग के साथ कोई ज़्यादा फ्रेंडली वे में बात नहीं करता, बल्कि वो उसे सिर्फ कुछ नंबर्स और कुछ एड्रेस मैसेज कर देता है, ये बोल के कि ये तुम्हारी लोकेशन है जहाँ तुम्हें आके मुझसे बात करनी है, और ये वो टैक्सी ड्राइवर्स के नंबर हैं जिनसे तुम कनेक्ट कर सकते हो, जिन्हें शायद चाइनीज़ आती होगी। एक तरीके से ये विंग की उसने कोई एज सच ज़्यादा हेल्प नहीं की। विंग उन नंबर्स पे ट्राई करता है तो उसे पता चलता है कि इस एचआर को एशियन होना मतलब ये लग रहा है कि शायद उस तरह का चाइनीज़, कोरियन और ये जापानीज एक जैसे से दिखते हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी एक जैसी होगी। ये पर्सन चाइनीज़ बिल्कुल नहीं जानता, बल्कि ये तो फ़ोन पे कोरियन में बात कर रहा है। विंग के लिए पहले से ही इंग्लिश समझना मुश्किल था, और अब ये कोरिया लैंग्वेज यूज करने वाला टैक्सी ड्राइवर, बेचारा विंग थोड़ा परेशान होकर जल्दी से आप एयर होस्टेस या एक तरीके से जो होता है ना एयरपोर्ट पे हेल्प डेस्क जो होता है उस पे जाकर ही हेल्प लेने की सोचता है। विंग के उस एचआर से ज़्यादा अच्छा था यहाँ का एयरपोर्ट का हेल्प डेस्क था, क्योंकि उन्होंने सचमुच में विंग को कैसे वो यहाँ पे एक चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करने वाले टैक्सी ड्राइवर्स के नंबर मिल सकते हैं, उस तरीके से हेल्प करी। और फाइनली विंग बहुत मुश्किलों से स्ट्रगल के बाद एक चाइनीज़ बोलने वाले टैक्सी ड्राइवर के साथ एक तरीके से अपने गूगल हेड ऑफिस में पहुंचता है। वो रिक्वेस्ट भी करता है कि आप प्लीज़ यहीं रहना टैक्सी ड्राइवर को, ताकि वो वापस जब आए तो वो ही उसको हेल्प कर दें मतलब इधर उधर जाने के लिए। जैसा विंग सोच रहा था शुरुआत बिल्कुल भी वैसी नहीं हुई। वो एक कंपनी के भरोसे यहाँ आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होनी चाहिए। एक पर्सन जो शायद अभी ज़्यादा एज का भी नहीं है, कॉलेज का स्टूडेंट है, एक ओमेगा है, वो आपके भरोसे एक नई शहर एक नई कंट्री में आ गया और आप लोग उसे टाइम भी नहीं दे सकते हो। यही हाल इस समय ये कंपनी वाले कर रहे हैं। कहने के लिए इतनी बड़ी कंपनी है पर यहाँ का एचआर बहुत रूड है, और उसकी नज़रों में तो सबसे सुपीरियर्स अमेरिकन्स और ये एक तरह से इंग्लैंड के ही लोग होते हैं। उनके हिसाब से ये गोरे लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं और ये एशियन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जो रेसिज्म जो पूरी दुनिया में होकर भी नहीं होता, वो वाला रेसिज्म हमारे विंग को पहले दिन ही लंदन में फील हो जाता है। विंग का एचआर जिसका नाम आर्नल्ड है, वो बिल्कुल भी विंग को टाइम नहीं देता। विंग बेचारा 2 घंटे तक उसके ऑफिस के बाहर बैठा रहता है अपने इतने सारे लगेज के साथ। वहीं बार बार वो बेचारा टैक्सी ड्राइवर भी उस विंग को कॉल कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 1 घंटा आधा घंटा ही तो वेट कर सकता था, लेकिन 2-3 घंटे वो बेचारा कैसे अपना काम छोड़ के वेट करेगा। उसके लिए भी तो पर डे की इनकम ही उसके घर का सोर्स है। उसे जो पर डे लोग मिलते हैं उसके कस्टमर, उसी से तो उसका घर चलता है। उसके लिए भी तो इस कंट्री में सर्वाइव करना मुश्किल होगा, वो भी तो दूसरी कंट्री से आया। तो वो बेचारा बार बार विंग को कॉल करने के बाद साफ बोल देता है कि जब वो फ्री हो एक बार कॉल कर ले, लेकिन वो अब उसका वेट नहीं करेगा। विंग भी उसे मना नहीं कर पाता। बेचारा विंग वहाँ घंटों तक बैठता है, तब जाके ये खड़ूस ब्रिटिश आर्नल्ड विंग को अंदर बुलाता है। विंग को वो बहुत ज़्यादा रूडली ही बातें कर रहा था, पर विंग अपनी साइड से पूरा पोलाइट होने की कोशिश कर रहा था। विंग को उसने एक ज्वाइनिंग फॉर्म और जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं
वो फिल करने के लिए गई जिसमें विंग को ऑलमोस्ट काफी बहुत देर हो गई। विंग जो करीबन आफ्टरनून में लंदन पहुंचा था अब रात के ऑफिस टाइमिंग ख़त्म होने आ गए तब जाके उसका ये प्रोसेस ख़त्म होता है। कहीं आनंद विंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसके हाथ में उसकी कंपनी का आई कार्ड और कुछ मतलब एक तरीके से फर्स्ट डे जब जो जिस टीम में वो ज्वाइन करेगा उस टीम लीडर या इतने से हेड मैनेजर को क्या एक डॉक्यूमेंट देने के लिए उसके हाथ में एक एनवलप पकड़ा देते हैं। इसके अलावा उसने विंग की कोई बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं किया लेकिन विंग बेचारा फिर भी उसको ऑफिस से बाहर निकलते निकलते भी उसका पीछा करते हुए उसे फाइनली डोर के पास रोक लेता है और रिक्वेस्टेड वे में कि उससे कहीं आस पास में पीजी या वो कहाँ रुकेगा उसके बारे में कुछ हेल्प करने के लिए बोलता है। ये काम वैसे अधिकतर एचआर का ही होता है। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू इंडिया से बाहर जाते हैं तो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कैंडिडेट या उस पर्सन के रुकने के लिए मतलब एक होता है कहाँ वो रुकेंगे उस चीज़ की सारी अरेंजमेंट करना। लेकिन विंग का एचआर इस मूड में बिल्कुल नहीं है। वो विंग को सिर्फ कुछ पीजीज के नंबर्स उसको मैसेज कर दे करके वहाँ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करके चला जाता है। एक ऐसा पर्सन जिसे इस कंट्री के बारे में कुछ नहीं पता, लैंग्वेज में समझने में उस बेचारे को बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ नंबर्स देकर आप कैसे जा सकते हो ये बात विंग अभी नहीं समझ सकता कि ये उसकी एचआर उसके साथ जान पूछ के इंटेंशली गलत कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज और खासकर इतनी बड़ी गूगल कंपनी का एचआर को तो बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। एक सिंपल प्रोजेक्ट के लिए भी अगर आप ऐसी बड़ी कंपनीज में जाते हो तब भी एचआर आपके रुकने की आपके खाने की सारी अरेंजमेंट करके रखते हैं। और यहाँ विंग तो दूसरी कंट्री से आ रहा है। ले अगर विंग अच्छे पहले इससे पहले किसी कॉर्पोरेट लाइफ को जानता होता या वो जॉब करी होती तो उसे पता होता कि वो हक से अपने एचआर से जिद कर सकता था उसके स्टे के लिए उसके खाने के लिए। लेकिन विंग बेचारा कॉलेज स्टूडेंट है कुछ नहीं जानता तो वो बेचारा यही सोच के कि शायद एचआर इतनी ही हेल्प करते हैं उन नंबर्स के साथ अब बाहर चेक की तरफ आ जाता है। वो गेट के पास आके पहले उस टैक्सी ड्राइवर को दोबारा कॉल करता है। वो टैक्सी ड्राइवर भी विंग के बारे में सोच के क्योंकि उसने देखा था कि विंग एक मासूम सा यंग सा ओमेगा है और कंट्री में किसी भी वर्ल्ड में आप चले जाओ गंदी नज़र वाले लोग तो आपको हर जगह मिल जाते हैं। सिर्फ एक कंट्री क्या हर कंट्री में खराब घटिया नज़र वाले लोग और किसी मजबूर का फ़ायदा उठाने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं। उस टैक्सी ड्राइवर को भी ये महसूस हुआ था कि ये बच्चा अभी बहुत यंग है और ऊपर से ये एक ओमेगा है दूसरी कंट्री में। इसे वो बेचारे भी आसपास में ही अपनी टैक्सी घुमा रहे थे। इसे विंग के कॉल करते ही वो वहाँ पे विंग के पास 5 से 10 मिनट में पहुँच जाते हैं अपने मतलब एक तरह से लास्ट जो भी उनका कस्टमर था उसे ड्रॉप करके। और वो विंग को के साथ उन सारे पीजीज में एक वन बाय वन जा रहे हैं। विंग को ये पहले दिन एक पर्सन तो अच्छा मिला जिनका नाम अंकल फोर है। वो यहाँ पे टैक्सी ड्राइव करते हैं लेकिन उन्होंने विंग को बहुत हेल्प की। उन्होंने विंग को 2-3 जगह जो उस बंदे ने नंबर से बताई उन जगह बिल्कुल जाने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे अधिकतर पीजीज में सिर्फ ब्रिटिश या जो इस टाइप के मतलब होते हैं ना अंग्रेज वो ही लोग ज़्यादा रहते हैं। उन्होंने स्पेशली विंग को खुद से एक नए पीजी की तरफ बताया जो थोड़ा सस्ता था उनके अकॉर्डिंग और हाँ जहाँ पे विंग को थोड़े चाइनीज या अपने एशियन साइड के जो रीजन के लोग हैं वो मिल सकते हैं। विंग को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। वो अंकल फोन ने अपनी साइड से तो विंग को एक अच्छी चीज़ ही बताई थी और ये कह दीजिए अच्छी जगह ही बताई थी लेकिन अंकल के स्टैंडर्ड और विंग के स्टैंडर्ड में थोड़ा तो अंतर है। जो लोग विंग के साथ रह रहे हैं वो अधिकतर बहुत छोटी जॉब करने वाले या फिर एक तरीके से जो होता ना थोड़ा सा ज़्यादा हाइजीन ना मेंटेन करने वाली जॉब करने वाले लोग रह रहे हैं जिससे विंग को थोड़ी दिक्कत होती है। पर हाँ वो खुश है कि क्योंकि यहाँ के लोगों में से वो फिर भी कुछ बातें कर सकता है जैसे कि वो लोग चाइनीज भी में बात कर सकते हैं। इसलिए विंग थोड़ा खुश होकर इसी पीजी में 2 महीने का अपना डिपॉजिट दे देता है। विंग के पास थोड़े पैसे खुद भी थे क्योंकि जब वो जॉब कर मतलब एक तरह से कॉलेज में पढ़ता भी था तब भी वो एक्स्ट्रा जॉब्स करता था पार्ट टाइम जॉब्स और बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन्स भी देता था ऑनलाइन कुछ घंटे।
जिसे उसके पास अच्छी खासी सेविंग थी कुछ, उसे कंपनी की साइड से भी ज्वाइनिंग बोनस मिला था। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो समटाइम्स कंपनी गिव यू ज्वाइनिंग बोनस, तो उसको वो ज्वाइनिंग बोनस भी मिला था। तो एक तरीके से उसके पास इतना अमाउंट तो था कि वो आराम से अपने पीजी का खर्चा, टैक्सीज का आने जाने का खर्चा उठा सकता था। और विंग की ये न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन विंग रेडी होके अपनी नई कंपनी में, अपनी नई जगह जाता है। विंग को फर्स्ट डे जिस टीम में बोला गया था वो उसी टीम में जाकर उन्हें रिपोर्ट करता है। ये कोई और मार्केटिंग एंड क्रिएटिव टीम का है जिसमें विंग एज अ क्रिएटिव टीम मेंबर बनके ज्वाइन कर रहा है। विंग अपने उस बड़े से एनवलप को लेके जब अपने बॉस के कैबिन में एंट्री करता है तो उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि लकीली विंग का बॉस कोई और नहीं बल्कि एक चाइनीज ही है जिनका नाम नी मिंजे है। नी मिंजे विंग को एंट्री करते ही उसे बैठने के लिए बोलते हैं। विंग बड़े प्यार से उनसे थोड़ा सा चाइनीज में बात करने की कोशिश करता है, जिसमें नी मिंजे उसे गुस्से में तुरंत डांट देते हैं और उसे स्ट्रिक्टली सिर्फ इंग्लिश में ही बात करने की एक तरह से कम ऑर्डर दे देते हैं, जिससे विंग घबरा के तुरंत इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं। नी मिंजे उसे अच्छे से वेलकम करते हैं और उसे उसका काम दे देते हैं। विंग के लिए ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि विंग के पूरे फ्लोर पे वो बेचारा एक अकेला ओमेगा है। नी मिंजे की पूरी टीम में सब अल्फा ही है और नी मिंजे एक ओमेगा को अपनी टीम में शायद लेना नहीं चाहते हैं। विंग ये पहले कुछ ही दिनों में समझ गया। वो बार बार तुम ओमेगा हो, तुम कहाँ बाहर मार्केटिंग का काम कर पाओगे, तुम ओमेगा हो, तुमसे कहाँ मैं दूसरी कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी के दूंगा। एक तरीके से इनडायरेक्टली विंग को ये बात पहले दिन से ही महसूस कर देते हैं कि वो एक ओमेगा है और वो एक मार्केटिंग टीम के पार्ट बनने के लिए काबिल नहीं है। मार्केटिंग टीम में तो सिर्फ अल्फा ही होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। विंग को ये बात बहुत हर्ट करती है। पहली चीज़ कि वो एक चाइनीज़ बंदे से क्यों अच्छा सोच के उनको मान रहा था और ये बंदा इतना ज़्यादा रूड है। दूसरी चीज़, विंग इन सबसे यंग है, उसके बावजूद उसे सपोर्ट करके सिखाने से ज़्यादा उसे शुरू से ही डीमोटिवेट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं विंग पहले से ही बहुत नर्वस था, लेकिन वो गिव अप करने वालों में से नहीं था, इसलिए वो स्ट्रांगली अब नी मिंजे के पास एंट्री करता है और बोलता है आप मुझे ट्रेनिंग प्लीज दीजिए। भाई नी मिंजे भी विंग को थोड़ा परेशान करने के लिए, या ये कह दीजिए सचमुच में इनडायरेक्टली विंग को सच्ची ट्रेन करने के लिए अब सबसे हार्ड काम देते हैं। जितने भी गूगल के कनेक्टेड का पार्टनर्स हैं या एक तरीके से कह दीजिए उसके एक तरह से प्रोजेक्ट जो गूगल के साथ चलते हैं उनके प्रोजेक्ट लीडर्स या प्रोजेक्ट कंपनीज हैं, उन सब में विंग को विजिट करने के लिए बोलते हैं और फिजिकल फीडबैक फॉर्म्स फिल करवाने के लिए दे देते हैं। अगर आपको आइडिया होगा तो फॉर्म्स फिल करवाना ही मार्केटिंग की सबसे खतरनाक और वाहियात जॉब है। आप लोग भी मॉल्स और जब ऐसी जगह जाते हैं तो बेचारे जो लोग फॉर्म्स लेके खड़े रहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं प्लीज फॉर्म फिल कर दो, वो वाली जॉब सचमुच में बहुत डिफिकल्ट है और विंग को सबसे पहले यही जॉब मिल गई है। अब उसे सारे जितनी भी कंपनीज में बोला गया उन कंपनीज में जाना है और फिजिकल फॉर्म्स को वहां के लोगों से फिल करवाना है। वो किस तरीके से गूगल के साथ कनेक्ट करके उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ, क्या सचमुच में गूगल के थ्रू उनकी अच्छी मार्केटिंग हो रही है, क्या गूगल उन्हें हेल्प कर रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ विंग को अब कंपनीज टू कंपनीज जाकर ये फॉर्म्स फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। हर पर डे विंग को कम से कम 25 फॉर्म्स फिल करवा के लाने हैं। सुने में ये लग रहा ना बस 25 फॉर्म, पर जरा आप एक बार ये काम करके देखिएगा, पूरे कंप्लीट 3-4 पेजेस किसी स्ट्रेंजर्स को रोक के भरवाना इतना आसान नहीं है। और विंग को ये चीज़ पहली बार में ही महसूस हो गई, लैंग्वेज बैरियर, इतनी हार्ड जॉब और शुरुआत ऐसी। लेकिन विंग कोई गिव अप करने वालों में से नहीं है, वो थॉम्स के साथ बेचारा डोर पे खड़े होकर अपने काम में लग चुका है। जहाँ एक तरफ विंग के बारे में तो हमने जान लिया, चलिए जानते हैं जब वांगजी लैंड हुए थे तब क्या हुआ। वांगजी लैंड करने के तुरंत बाद, क्योंकि उसके पास 2-3 लैपटॉप थे और वो उसको अलग से एक सिक्योरिटी चेक वाले एरिया में ले जाया गया, क्योंकि इतने सारे लैपटॉप्स को लेकर आप कैरी कर रहे हो तो आपको एक तरीके से कस्टम टीम वाले और वो लोग देख करते हैं। ऊपर से वांगजी के लगेज में काफ़ी सारे एक्सपेंसिव चीज और इस तरह के गिफ्ट्स भी मिले, जैसे कि वांगजी के पास वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वांगजी के पास उनका बिल है या नहीं है, या वो किससे ये यहाँ लाया है उसके बारे में भी चेकिंग हो रही है। वांगजी की फैमिली 2 जगह रहती है, यानी वांगजी के मदर, फादर और ग्रैंडफादर रहते हैं
चाइना में, और वहीं वांगजी के अंकल जो मतलब अभी मैरिड हैं और उनका खुद का एक बेटा है जिसका नाम लैंग जिंगी है, वो और उसका खुद का बड़ा भाई और वांगजी, ये तीनों में ही रहते हैं लेकिन अलग अलग सिटीज़ में। लाइक वांगजी का बड़ा भाई मैनचेस्टर में रहता है और वहीं वांगजी के अंकल और उनका बेटा यानी लैंग जिंगी, ये दोनों लिवरपूल में रहते हैं और वहीं वांगजी लंदन में रहता है। इन शॉर्ट ये तीनों एक ही कंट्री में होने के बावजूद अलग अलग सिटीज में रहते हैं और एक दूसरे से कभी कभार फोन पे और मिलते हैं, इसलिए वांगजी की फैमिली ने इन सब के लिए कुछ गिफ्ट भिजवाए थे थ्रू वांगजी, और ये सब गिफ्ट के ही अभी वांगजी की चेकिंग हो रही है। वांगजी ऑब्वियसली इन सबके को कुछ स्मगल तो है नहीं जो कर रहा है, वो तो सबके बिल्स और सबके डिटेल्स के साथ ही आया है तो आराम से उसका वो लोग छोड़ देते हैं। पर हाँ, इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, करीबन इतना टाइम लग जाता है कि जब वांगजी बाहर आता है तो देखता है कि उसकी फ्लाइट के अधिकतर सब लोग यहाँ से एयरपोर्ट छोड़कर जा चुके हैं और उसे विंग से मिलने या बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। वो यही सोच के कि कोई बात नहीं, अब तो विंग और वो एक ही सिटी में है, एक ही कंपनी में है, तो वो विंग से ज़रूर मिलेगा, वो दोबारा विंग को से बात करने की कोशिश ज़रूर करेगा। वो यही सोच के अभी यहाँ से अपने अंकल के लिए से मिलने लिवरपूल के लिए निकल जाते हैं। लिवरपूल के और लंदन के करीबन 4.5 घंटे की जर्नी है, जहाँ पे वांगजी रह के वहीं पे अपना वीकेंड स्पेंड करके अब वापस ऑफिस ज्वाइन करने नेक्स्ट वीक ही आएगा। वो यही सोच के सारे गिफ्ट्स के साथ अपने अंकल के घर पहुँचते हैं। वांगजी के अंकल थोड़े स्ट्रिक्ट हैं लेकिन हाँ, वो बहुत खुश होते हैं जब उनके दोनों नेफ्यू उनसे मिलने आते हैं। आज वांगजी के ब्रदर भी यहीं पे थे। एक अच्छी खासी ये लोग फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वांगजी जो इन लोगों के लिए गिफ्ट्स और खाने के सामान चाइना से लाए हैं वो इन सबको देते हैं और जिंगी भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हैं और एक दूसरे से खाने के बाद जो एक होता है ना टी शेयर करते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। सबसे पहले जिंगी ही वांगजी से सवालों की लाइन लगा देते हैं। क्या ब्रदर, इस बार भी अंकल और आंट को अपने साथ नहीं लाए? आपको पता है ना अंकल और आंट मुझे कितने अच्छे लगते हैं, वो मुझे कितना प्यार करते हैं, पापा की तरह डांटते नहीं है। और जिंगी अपने फादर यानी लान कुरैन की तरफ देखता हुआ बोलता है, जिसे कुरैन उसे हर जोर से घूरने लगते हैं। इस बात पे वांगजी थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना फादर और मदर के बारे में, वो कभी भी ये लंदन आने के लिए रेडी नहीं होते, उन्हें प्लेन से इतना डर लगता है, पता नहीं उनका ये डर कब ख़त्म होगा। और सचमुच में हम कितने साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो कभी भी यहाँ नहीं आते, हमें ही वहाँ जाना पड़ता है। अब शिचैन भी वांगजी का सपोर्ट करते हुए बोलता है। इस बात पे अब कुरैन भी बोलते हैं, मैंने यहाँ पे जब मैं आया था लंदन तुम्हारे फादर को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि चाइना में उन्हें वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो यहाँ मिलेगी, लेकिन वो फिर भी मेरी बात मान के यहाँ नहीं आए। इस बात पे अब कुरैन को थोड़ा सा पुराने टाइम की याद आती है। चाइना में उन लोगों की बहुत अच्छी कोई बड़ी फैमिली नहीं थी, या ये कह दीजिए वो बहुत रिच नहीं थे, और कुरैन ने बहुत मेहनत करके लंदन आकर अपनी फैमिली को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि कुरैन ने यहीं पे एक ब्रिटिश लेडी से शादी करके यहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली है, लेकिन उस लेडी ने कुरैन को डिवोर्स करके किसी और से शादी कर ली, लेकिन मतलब कुरैन अभी भी उसे ही मिस करते हैं और अपनी फैमिली को भी मिस करते हैं। उनका बेटा जिंगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी रहते हैं और वो बेचारे घर पर अकेले रहते हैं। अब उन्हें कभी कभी चाइना की अपने फैमिली की याद आती है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वहाँ से कोई आ जाए, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। जैसे कुरैन की वजह से एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई, वांगजी और शिचैन इन दोनों की पूरी हायर एजुकेशन लंदन से ही हुई है। ये दोनों ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, इन दोनों ने बहुत अच्छे से अपनी एजुकेशन पूरी की है। वांगजी ने IT डिपार्टमेंट में और शिचैन ने लिटरेचर में, और एज अ एडिटर वो एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी में जॉब करते हैं। और अभी वो भी अपने भाई के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं। यहाँ पे ये सब लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करके अब आराम से शिचैन और वांगजी गेस्ट रूम में ही रेस्ट कर रहे थे। जब शिचैन वांगजी की तरफ देखते हुए थोड़ा मुस्कुराते बोलते हैं, सो वांगजी, वो ओमेगा जिसके बारे में तुमने मुझसे बात की थी, क्या वो तुम्हें दोबारा मिला? इस बात पे वांगजी अब शॉकिंगली अपने ब्रदर की तरफ देख रहे हैं, और जैसे ही वांगजी ने रिएक्शन दिया उससे शिचैन के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत बोलते हैं, इसका मतलब सचमुच में वो तुम्हें मिला। ब्रदर
अब मेरे बिना बोले कैसे जान जाते हैं कि आपने मेरे पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है या कोई जासूस जो हर चीज़ आपको रिपोर्ट कर देता है। इस बात पर शिचैन जोर जोर से हंस के वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, ये एक तुम्हारा चेहरा, यही है मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर। तुम दुनिया के सामने चाहे कितने अपना एक्सप्रेशनलेस फेस लेके घूमो, पर मुझे तो तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ बता देता है। जैसे कि जब से तुम लौट के आए हो, तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब ही खुशी है। वैसे ऑफिस के काम के चक्कर में तुम इतने खुश तो हो नहीं सकते, तो कहीं ये वो तुम्हारा प्यारा सा क्रश जो अभी अभी तुमने मुझे बताया था, ओमेगा वाला, ये वही ओमेगा तो नहीं है? हाँ ब्रदर, मैंने उसे देखा था, मैंने उसे अपने प्लेन में देखा था, लेकिन मैं उससे प्लेन में बात नहीं कर पाया था, हम दोनों की सीट थोड़ा दूर थी। और बाद में जब मैं उतरा तो आपको पता है, इतने सारे गिफ्ट्स के साथ आओ तो कस्टम ड्यूटी से निकल के आना पड़ता है, इसलिए मैं उससे मिल नहीं पाया। ओहो, यानी मदर और फादर के गिफ्ट के चक्कर में तुमसे तुम्हारा गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, तुम्हारा ओमेगा मिस हो गया। डोंट वरी ब्रदर, उसे तो मैं ज़रूर ढूंढ लूँगा, वांग जी मन में स्माइल करता हुआ विंग को याद करता हुआ बोलता है। वहीं शिचैन इस चीज़ से खुश होकर उसे कंधे पे हाथ मारते हैं और बोलते हैं, पूरी लाइफ में मैंने पहली बार तुम्हें किसी चीज़ के लिए ऐसे डिमांड करते हुए देखा है। मेरा बचपन से तुम तो सबसे ज़्यादा ओबीडिएंट चाइल्ड थे, कभी भी तुमने किसी चीज़ के लिए ज़िद या डिमांड नहीं करी, लेकिन आज मुझे तुम्हारी आंखों में एक ज़िद दिख रही है, एक जुनून दिख रहा है, वो भी इस ओमेगा के लिए। सचमुच में अब तो मुझे भी इस ओमेगा से मिलना है, जो इतना स्पेशल है कि एक बार में मेरे भाई के अंदर इतने सारे नए इमोशंस जगा गया। जिस बात पे वांग जी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि बेड से उठ के वॉशरूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि अभी उसे अपने ब्रदर से कोई ज़्यादा बात नहीं करनी। वहीं शिचैन पीछे से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और मन में खुश होते हैं कि फाइनली उसके ब्रदर की लाइफ में भी कोई ओमेगा आ गया, वरना हमेशा उसका ब्रदर इतने सारे ओमेगास के बीच में रहने के बावजूद कभी किसी को लिफ्ट नहीं देता था, कभी किसी पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब वो ध्यान दे रहा है इस स्पेशल ओमेगा पे। तो ये स्पेशल ओमेगा कौन है शिचैन, उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा इच्छुक भी है। वहीं जहाँ एक तरफ वांग जी अपनी फैमिली के साथ अपनी एक परफेक्ट लाइफ स्पेंड करता है, वो कुछ टाइम बाद वापस अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लेता है। पिछले 2 महीने से वांग जी लगातार विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इन 2 महीने में वांग जी को विंग पर्टिकुलरली किस डिपार्टमेंट में है पता नहीं चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक टैलेंट हंट था, तो पर्टिकुलरली कौन सी एक पोजीशन के लिए था उस समय उसे इंटरव्यू के टाइम पे भी पता नहीं चला था। उसने बाद में जो HR था उसे एक बार पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो HR भी ज़्यादा वांग जी को कुछ बताया नहीं था, इसलिए वांग जी ने अब खुद से ये ढूंढने की सोची थी। वैसे भी वो IT टीम में, तो उसने जितने भी एम्प्लॉय की लिस्ट है उसे निकालने की सोची। आज हमारे वांग जी अपनी ही टीम कंपनी में चुपचाप से एज अ हैकर काम कर रहे हैं, वो चुपचाप से HR के सर्वर में घुस गए हैं और अब एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिन से उन्होंने कम से कम 500 एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक उन्हें विंग का बारे में नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा है HR वो होता है, ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही दो के एम्प्लॉयज़ होते हैं। लंदन में तो बहुत, यानी इंग्लैंड में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस बेचारे को मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन फाइनली उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे विंग के बारे में पता चल गया है। विंग ये उसी की हेडक्वार्टर में मार्केटिंग और क्रिएटिव टीम का पार्ट है, ये देखकर वांग जी को बहुत खुशी होती है। और आज वांग जी अपने हाथों में कॉफ़ी के दो मतलब कप लेके आज मार्केटिंग टीम की तरफ चला जाता है, क्योंकि मार्केटिंग टीम के हेड यानी नीम इंजय को वांग जी जानता है, जो उसके ब्रदर के एक टाइम पे अच्छे दोस्त भी थे। इन दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से मतलब एक तरह से ग्रेजुएशन करी थी, लेकिन उसके बाद उसके ब्रदर ने इलेक्ट्रिशियन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोची और इन्होंने मार्केटिंग में, इसलिए अभी वांग जी उनसे मिलने के बहाने ही टीम मतलब इस डिपार्टमेंट में गया। लेकिन वांग जी की बेचारे की ये विश भी अनकम्प्लीट हो गई, क्योंकि वहाँ पे विंग नहीं था। ऑब्वियसली विंग को फील्ड वर्क दिया है, तो विंग बेचारा ऑफिस में कम ही रहता है, इसलिए वांग जी जब नीम इंजय के पास कॉफ़ी के मग लेके पहुँचता है तो नीम इंजय वांग जी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वांग जी इस डिपार्टमेंट उनके मतलब एक ही बिल्डिंग में जॉब करने के बावजूद उनसे बहुत कम कभी मिलता था, लेकिन आज वो स्पेशली उनसे कॉफ़ी लेकर मिलने आए हैं, ये चीज़ नीम इंजय के लिए बहुत बड़ा शौक थी।
वांग जी और नीमी जो एक दूसरे के सामने बैठे और वांग जी नज़रों से किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वांग जी उनके सामने बहुत टाइम से है। और जैसे सिचैन वांग जी की टांग खींचते हैं, वैसे नीमी जो भी कभी कभी वांग जी को मजाक करते हैं, इसलिए वो थोड़ा टीजिंग टोन में ही बोलते हैं, क्या बात है वांग जी, तुम मुझसे मिलने आए हो या किसी और से? क्योंकि जब से तुम यहाँ आए हो मेरी तरफ से तुमने सिर्फ एक ही बार देखा है, अब बाहर तुम 10 बार देख चुके हो, किसे ढूंढ रहे हो तुम? जिस बात पे वांग जी अपने आप को थोड़ा ठीक करते हुए और अपना ब्लशिंग फेस छुपाते हुए तुरंत बोलते हैं, कोई किसी को नहीं मिलेगा, मैं तो बस ऐसे ही आपकी न्यू टीम देख रहा था, काफ़ी सारे न्यू फेसेज आए हैं, है ना? कहाँ काफ़ी सारे हैं, सिर्फ 2 ही तो न्यू हायरिंग हुए हैं और वो तो यहाँ है भी नहीं, पर तुम्हें कैसे पता कि मेरी टीम में न्यू हायरिंग हुई है? क्या तुम उन्हीं 2 न्यू हायर्स में से किसी से एक से मिलना है हो क्या? मिंजे वांग जी को फिर से थोड़ा टीज करते हुए बोलते हैं, जिस बात पे वांग जी अपने ब्लशिंग फेस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बोलता है, नहीं नहीं मैं तो आपसे मिलाया था मिंजे का, वैसे आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरी टीम से तो आप मुझे बता सकते हैं। इस बात पे मिंजे थोड़ा स्माइल करते बोलते हैं, बिल्कुल तुम्हें ही बताएंगे, आईटी से रिलेटेड काम तो तुम्हारी टीम को ही बताते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगा तुम मुझसे कॉफ़ी पीने हैं, वैसे तुम्हें जब मौका लगे तो तुम हम घर पे आना, तुम्हें अच्छे से पता है न्यू हुसैन भी अभी यहाँ पे जल्दी ज्वाइन करने वाला है, तो तुम और न्यू हुसैन एक टाइम पे काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, तो तुम उससे मिलने आ सकते हो। हाँ मुझे पता चला न्यू हुसैन भी लंदन शिफ्ट कर गया और मुझे बहुत खुशी, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि मौका लगे तो मैं न्यू हुसैन से मिलने हूँ। और ये बात बोलने के बाद वांग जी वहाँ से अब अपना कॉफ़ी का मग उठा के चला जाता है, क्योंकि उसे विंग नहीं मिला और वो इस बात पे थोड़ा पछताता हुआ जा रहा है। वही नीमिन जी अभी तो नहीं समझ पाए कि वांग जी किससे मिलने आया था, लेकिन उन्हें थोड़ा सा तो वांग जी पे डाउट हो गया और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है वांग जी विंग से कैसे मिल पाएगा? और विंग जो एक स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल कर रहा है, उसके हेल्प वांग जी कर पाएगा? और क्या नीमिन जी अपने इस स्ट्रिक्ट और कोल्ड नेचर को थोड़ा सा इनके लिए सॉफ्ट करेंगे? वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आगे अब मतलब नेक्स्ट चैप्टर से इन दोनों के रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाएंगे। ये दोनों पार्ट मैंने या ये दोनों चैप्टर मैंने थोड़ा सा स्टोरी बिल्ड करके आपको बता दिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपको ये कैसे लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट्स एंड कमेंट। थैंक यू।